So hello everyone, good morning, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. Firstly, just let me know whether everything is fine or not. Am I visible? Am I audible? Ek bar yes likh dijiye ya thumbs up de dijiye jisse ki hume pata lag sake that we are eligible to start or not. All right. Great enough. So we were doing the chapter Living World और यहाँ पर हम लोग topic 1.1 and topic 1.2 को already cover कर चुके थे. In topic 1.1 we have talked about the basis of living world or we can say the difference between the living and non-living things. And topic 1.2 में हमने biodiversity की चर्चा की थी, यानी diversity in living world नाम के topic को हमने खत्म किया था. Third जो हमारा topic है, यानी second last जो हमारा topic है, that is taxonomic categories. कल सुबह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आखिरी टॉपिक हमारा बचता है टैक्सोनॉमिक एड्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं. यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं अगर आप ठीक तरीके से कर लें तो आपका यहां पर कोई भी गलती का स्कोप नहीं बचेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आज का सेशन आप बहुत ध्यान से सुने. दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ कंसेप्चुअल सेशन, राइट? यानी बाकी चीजों की तरह यहां पर रटने का काम नहीं है, ये कंसेप्चुअल है. यहां से जरा सा भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हर एक चीज को पढ़ना है और साथ साथ याद करते हुए चलना है. सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जरूरत क्यों पड़ी. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 टर्म्स बताए थे, राइट? और वो 5 टर्म्स एक दूसरे के सिनोनिम्स थे. यानी मैंने आपको बताया था या तो आप कैटेगरी टर्म का इस्तेमाल कर लो, राइट? या तो आप कैटेगरी टर्म का इस्तेमाल कर लो या आप इसे क्या बोल दो, ग्रुप बोल दो. भाई एक कैटेगरी एक ऐसी पर्टिकुलरली एक ऐसा झुंड है जहां पर ऑर्गेनिजम्स आपने रखे हुए हैं क्लासिफिकेशन के बाद. यानी एक जो कैटेगरी है उसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो क्योंकि वहां पर काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. सिंस ये टैक्सोनॉमी की एक यूनिट है तो आप इसे टैक्सा या टैक्सॉन भी बोल रहे थे. फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे रैंक भी बोल सकते हैं एंड आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं. ओके, ये सारे टर्म्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्सा के लिए. और यहां पर एक नई टर्म जो हमारे सामने आई है वो है रैंक. हमने इसे रैंक क्यों बोला, अगर आप किसी भी लेवल पे जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहां पर लोगों की जो है हायरार्की बनी हुई होती है. समझ लीजिए आप आर्मी की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आर्मी के चीफ हैं, देन यहां पर कमांडेंट ऑफिसर है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक रैंकिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है, राइट? एक हायरार्की है कि टॉप पे कौन रहेगा और एकदम जो जस्ट नया नया आया है आर्मी में वो किस रैंक पर रहेगा. एंड सिमिलरली अगर आप कंपनीज की बात करें, कॉर्पोरेट हाउसेस की भी बात करें, तो वहां पर एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे काफी सारे लोग काम करते हैं, राइट? एचआर मैनेजर होता है, उसके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, राइट? तो ये रैंकिंग सिस्टम जो है यहां पर दिया गया है. तो यहां पर ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लासिफिकेशन जो है इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. यहां पर जो सारी की सारी रैंक्स है ना वो आपको फिल करनी रहती. सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इस चीज को हमें हाईलाइट करना है साथ साथ, इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हर टैक्सा को जस्टिफाई करना पड़ेगा. हम कुछ जनरल टैक्सा लेकर के चलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ऑब्लिगेट कैटेगरीज का मतलब होता है कंपल्सरी कैटेगरीज. ये कंपल्सरी कैटेगरीज तो भरनी ही भरनी पड़ेंगी और उन ऑब्लिगेट कैटेगरीज को आप वन बाय वन भरते हैं, यानी आप रैंक वाइज पैटर्न में भरते हैं, राइट? इसी वजह से यहां पर रैंक टर्म का इस्तेमाल किया गया. तो हमने क्यों रैंक टर्म का इस्तेमाल किया ये मैंने आपको बता दिया. ओके, कौन कौन सी है ये रैंक्स इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. यानी समझ लो आप कल को क्लासिफिकेशन करने बैठे, आपने एक ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया तो आप क्या देखेंगे उसमें. सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि वो प्लांट है या एनिमल है, यानी हम उसे किस चीज में प्लेस करेंगे, उसकी किंगडम में प्लेस करेंगे, राइट? हम उसे उसकी किंगडम में प्लेस कर देंगे कि भैया इसकी किंगडम क्या है, क्या ये किंगडम प्लांटे में बिलोंग करता है या ये किंगडम एनिमिलिया में बिलोंग करता है, राइट? सिमिलरली उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भैया किंगडम के अंदर उसकी फाइलम क्या है, राइट? उसकी फाइलम क्या है. एंड सिमिलरली हम लोग बाद की जो कैटेगरीज है उसे देखते जाएंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग स्पीसीज तक पहुंच जाएंगे जो सबसे बेसिक कैटेगरी है, राइट? इन सबके नाम और कैरेक्टर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं तो टेंशन की कोई बात नहीं है. यहां पर जस्ट हम एक छोटा सा आइडिया ले रहे हैं.
तो यहां पर क्या है, किंगडम जो है इसको आप कह सकते हो, किंगडम जो है इसको आप कह सकते हो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको आप बोल सकते हो लार्जेस्ट कैटेगरी। क्यों बोल सकते हो? रीजन भैया बहुत सिंपल सा है, एक किंगडम के अंदर करोड़ों तरीके की जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं। ओके, इन कमिंग टाइम किंगडम इज सो बिग, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो आपको आज तक मिली थी ना, जो आपने आज तक आइडेंटिफाई की थी, दिस वॉज द डेटा ऑफ एनसीईआरटी, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो आपने आज तक खोजी हैं इस अर्थ के ऊपर, इनमें से भैया मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की है। यानी किंगडम एनिमेलिया के अंदर कितनी सारी स्पीसीज हैं आप लोग इजीली पता लगा सकते हैं, कितनी ज्यादा है ये। एंड इसमें से अगर आप देखें तो अराउंड 0.5 मिलियन के आसपास आपकी बची हुई चीजें हैं जैसे प्लांट्स वगैरह। कहने का ये मतलब हुआ कि प्लांट्स का नंबर आपका कंपैरेटिवली कम है, एनिमल्स का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है। किंगडम लार्जेस्ट कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि हर किंगडम के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन स्पीसीज क्या है, अगर मैं बात करता हूं हमारी यानी होमो सेपियंस है हम, तो सेपियंस इज द स्पीसीज, सारे ह्यूमन ही आए उसके अंदर, बंदर नहीं आ गया, गधा नहीं आ गया, घोड़ा नहीं आ गया, हमारे अंदर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं। यानी स्पीसीज में एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं, ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो ज्यादा डाइवर्स कौन हुआ बताओ, ज्यादा डाइवर्स कौन हुआ फटाफट लिख के बताओ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर ये एकदम बेसिक कैटेगरी बोली जाती है, इसको बोला जाता है एकदम बेसिक कैटेगरी, या फिर स्पीसीज को बोला जाता है एकदम लोएस्ट कैटेगरी। जैसे लार्जेस्ट कैटेगरी मैंने लिखा है किंगडम को, इसी तरीके से बेसिक या लोएस्ट कैटेगरी कहा जाता है स्पीसीज को, राइट? तो यहां पर देखो क्या हुआ, स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, तो यहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म है आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर रहेंगे। एंड किंगडम में हजारों तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, हजारों तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो यहां पर डिफरेंसेस जो है ज्यादा है, सिमिलैरिटीज काफी कम है। तो हम यहां पर एक छोटी सी बात लिख सकते हैं, आगे भी लिखवाऊंगा मैं आपको ये बात, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीसीज के अंदर सिमिलैरिटी जो है ये आपकी बहुत ज्यादा है, एंड किंगडम के अंदर सिमिलैरिटीज काफी कम, राइट? ये बात यहां पर होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की और समझ में नहीं आती यूजुअली, क्या कहा गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या जो एक ग्रुप है जिनमें आप क्लासिफिकेशन के दौरान एक एनिमल या प्लांट को डालते हो, ये जो रैंक्स हैं, किंगडम है, ऑर्डर है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, इन सब को आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं बोलते, दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने दो एनिमल्स को देखा, अच्छा एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चलो सेम कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, दिस इज नॉट द केस। दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ऐसा नहीं है कि एक जैसे दिख रहे हैं तो एक जगह प्लेस कर देंगे, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। मॉर्फोलॉजी के अलावा भी काफी सारे कैरेक्टर्स को यहां पर कंसिडरेशन में लिया जाता है, और उन सारे कैरेक्टर्स को देखने के बाद इन्हें अलग अलग कैटेगरी में फेंका जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में फेंका जाता है, और तब बन जाती है एक हायरार्की, यानी तब बन जाता है एक पैटर्न, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको देखनी पड़ती हैं, यहां पर आपकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं दोस्त, ओके? ऑब्लिगेट कैटेगरी 7 है नंबर में, तो यहां पर लिख लीजिए 7 इन नंबर। कौन कौन सी हैं ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज, अगर आप चाहें तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई थी अपने टाइम पर विच वॉज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके? इसको देख लेते हैं, कीप पोडियम क्लीन, ओके? एक हमारे दोस्त आ रहे हैं लेक्चर देने पोडियम पर, तो पोडियम को क्लीन करने की सलाह दी जा रही है, कीप पोडियम क्लीन, और फैम है बंदे का नाम, वरना फैम जो है सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा अगर वहां पर कोई कंटेमिनेशन है तो, राइट? ये क्या हो गई, ये आपकी ट्रिक हो गई 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को याद करने की। क्या ट्रिक हो गई, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। तो कीप से हमने क्या उठा लिया, यहां पर कीप से हमने उठा लिया किंगडम, के फॉर कीप, के फॉर किंगडम, हमने किंगडम उठा लिया। किंगडम के बारे में एक बात हमने देखी थी कि लार्जेस्ट आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है? अब किंगडम के बाद अगर हम लोअर लेवल पे चलें, क्योंकि किंगडम लार्जेस्ट है तो लोअर लेवल पर जाएंगे, यहां पर क्या है, पीओ,
राइट। तो पी से क्या आ गया, पी से आ गया भैया फाइलम, पी से आ गया फाइल। और यहां पर बीच में आ रहा है डी आई, पोडियम में देखो डी आई भी आ रहा है, तो डी आई का मतलब क्या है, डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इंटरनेट पर काफी सारी ट्रिक है, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो फाइलम है मेरे दोस्त, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फाइलम वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स के लिए, राइट। और जो डिवीजन वर्ड है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है आपका प्लांट के लिए। और ये दोनों सेम लेवल पर है, सेम चीज का नाम ही है दोनों, तो इसीलिए पी और डी आई दोनों ही याद रखना जरूरी है। तो पोडियम वर्ड में दोनों ही आ जाते हैं, राइट, फाइलम भी आ जाता है और आपका डिवीजन भी आ जाता है। देन माय फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लीन आ जाएगा। क्लीन का मतलब क्या आ जाएगा, क्लीन का मतलब आ जाएगा सीएल फॉर क्लास। और का मतलब क्या आ जाएगा, और का मतलब आ जाएगा आपका ऑर्डर। फैम का मतलब क्या आ जाएगा, फैम का मतलब आ जाएगा आपका फैमिली, राइट, फैमिली। इसके बाद क्या आ जाएगा, गेट का मतलब क्या आ जाएगा, जी ई आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आ जाएगा जीनस। और जीनस के बाद आपकी सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, सिक, एस फॉर आपकी स्पीसीज, आपकी स्पीसीज। तो यहां पर हायरार्की बन गई है। और हायरार्की की एक सबसे खास बात क्या है, हायरार्की की एक खास बात जो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, हायरार्की जो है ये आपकी असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी समझ लो मैं ए बी सी डी गा रहा हूं, तो मैं अगर ए से जेड की तरफ बढ़ता हूं तो ये भी एक हायरार्की है। मुझे बताना पड़ेगा कि ये हायरार्की कौन सी है, मैं बताऊंगा कि ए टू जेड हायरार्की है ये। और अगर मैं जेड से ए की तरफ आता हूं तो वो भी हायरार्की है, पर मुझे बताना पड़ेगा कि ये जेड से ए साइड की हायरार्की है। सिमिलरली अगर मैं एक से लेकर सौ तक गिनती गाता हूं तो एक से लेकर सौ तक भी हायरार्की है, लेकिन मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये वन टू हंड्रेड है, असेंडिंग ऑर्डर में। एंड सिमिलरली अगर मैं 100 से वापस आता हूं 1 तक, तो वो भी एक हायरार्की है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी अगर आपको कोई बोले कि भैया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिख के बताओ, तो इट डजंट मैटर कि आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं या फिर आप स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम लिख रहे हैं, दोनों बातें अपनी जगह करेक्ट है। आपको बस बताना पड़ेगा कि ये हायरार्की किस डायरेक्शन में है। जैसे मैंने किंगडम से स्पीसीज तक एरो बनाया है, तो मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहा हूं। यानी ये क्या हो गई, हायरार्की हो गई, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब जाके ये बात करेक्ट होगी। अगर कोई मुझे बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में हायरार्की बनाइए और मैं ये बना देता हूं, तो मैं गलत हो जाऊंगा। उस टाइम पर मुझे स्पीसीज से किंगडम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीसीज जो है आपकी लोएस्ट यूनिट है या फिर आपकी मोस्ट बेसिक यूनिट, राइट। अब देखो मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। अब ये सात तो हो गई ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी कैटेगरीज। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, समझ लो मुझे कॉकरोच जैसा प्राणी मिला जो कि नया है, यूनिक है, तो मैं क्या करूंगा, किंगडम में डाल दूंगा उसको सबसे पहले, क्योंकि मेरे को उसको देखते ही पता लग गया भैया ये इंसेक्ट है, राइट, या फिर एक कीड़ा है कोई, तो एनिमल तो होगा ही होगा, तो मैंने किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया इजीली। उसके बाद मैंने उसकी फाइलम देखने की कोशिश करी कि यार ये इंसेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ कैरेक्टर्स देखे इंसेक्ट लाइक, मुझे पता लग गया इट इज आर्थ्रोपोडा, मैंने आर्थ्रोपोडा फाइलम में रख दिया, फिर क्लास इंसेक्टा में रख दिया। इसी प्रकार से मैं उसका ऑर्डर जस्टिफाई कर लूंगा कि किससे ज्यादा सिमिलर है, एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे ना जो प्री आइडेंटिफाइड होंगे, जैसे कॉकरोच को मैं पहले से जानता हूं, तो अगर मेरा नया इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सिमिलर है ना कॉकरोच से, तो मैं उसी के ऑर्डर में, उसी की फैमिली में उसे प्लेस कर दूंगा और फिर उसका साइंटिफिक नाम दे दूंगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत, तो जीनस और स्पीसीज मुझे पता लग जाएंगे। समझ लो कोई नया जीनस मुझे अगर बनाना पड़ता है, देन आई विल मेक इट, मैं एक नए जीनस का नाम रख दूंगा और स्पीसीज का नाम तो ऑब्वियसली नया होगा ही, तो अल्टीमेटली मेरी ये जो स्टेप वाइज रैंकिंग थी ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए पहली लाइन जो मैंने देखी थी यहां पर, उसमें लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। बात समझ में आई, सिर्फ इस एक लाइन को समझाने के लिए हमने इतना ज्यादा झमेला किया है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको कोई प्लांट मिला है जंगल में या फिर आपको अगर कोई एनिमल मिला है, आप सबसे पहले उसके किंगडम को जस्टिफाई करोगे, अच्छा इसकी किंगडम कौन सी है, फिर आप फाइलम या डिवीजन देखोगे, राइट, फिर आप ऑर्डर देखोगे एंड सो ऑन, मतलब अकॉर्डिंगली आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें देखोगे एंड तब जाके आप जीनस और स्पीसीज तक पहुंचेंगे, तब जाके क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है, ओके? अब देखो यहां पर सात ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा बीच में कुछ कैटेगरीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे यहां पर क्लास से बड़ा कुछ हो सकता है, क्लास से बड़ा क्या होगा, अब फाइलम से छोटा और क्लास से बड़ा, यहां पर क्या हो सकता है, क्लास से बड़ा तो सुपर आ जाएगा ना,
देखो सुपर का मतलब ही होता है भैया बड़ा, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे सुपर क्लास आ जाएगी कि क्लास से बड़ी है ये। लेकिन क्लास से छोटी अगर कोई चीज आ गई तो ये क्या हो जाएगी सब क्लास, ठीक है, यानी क्लास के अंदर एक छोटी सी कैटेगरी और बना दी। सिमिलरली अगर आप फैमिली से ऊपर किसी चीज को रखते हैं तो वो हो जाएगी सुपर फैमिली, और नीचे अगर रखते हैं तो सब फैमिली। और जीनस और स्पीसीज के बीच में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइब, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप क्या बोलते हैं, इन्हें आप बोलते हैं एक्सेसरी टैक्सा। ये आपके मेन टैक्सा में नहीं आते, ये ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, राइट, ये मेन सात कैटेगरीज में नहीं आते, ये ट्राइब, सुपर क्लास, सब क्लास, सब फाइलम, राइट, ये सब मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में नहीं आते, लेकिन ये एक्सेसरी कैटेगरी में आते हैं। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया अगर आपको और एफिशिएंट बनाना है इस सिस्टम को, क्लासिफिकेशन के सिस्टम को, तो क्या करोगे? नॉर्मल सी बात है यार, और अच्छी अच्छी नई नई कैटेगरीज बना देंगे, उनसे हमारा काम चल जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से एक एक चीज को देखना है कि किंगडम क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है। अब किंगडम में चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं ऑलरेडी तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, बट मुझे बताओ कि अगर आप किंगडम से स्पीसीज तक जाते हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर आप किंगडम से स्पीसीज तक जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे? मैंने ये लास्ट स्लाइड में लिखवाया है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट बताओ मुझे। अगर मैं किंगडम से स्पीसीज जाता हूं, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, फटाफट बताओ यार। ओके, युधिष्ठिर इज सेइंग डिक्रीज होंगे। ओके, निश्मिता इज सेइंग बढ़ेंगे, स्निग्धा इज सेइंग बढ़ेंगे, राजीव इज सेइंग डिक्रीज होंगे, पवन इज सेइंग घटेंगे, हेम कुमार इज सेइंग बढ़ेंगे, श्वेता इज सेइंग बढ़ेंगे, स्मार्ट स्टार बढ़ेंगे। दैट्स वेरी गुड यार, काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, इसको मैं एक बार में ही खत्म कर देता हूं, ठीक है, इस कंफ्यूजन को जिंदगी के लिए खत्म कर दो। यहां पर देखो, अगर हम लोग एक स्पीसीज के मेंबर्स हैं तो क्या हम में सिमिलैरिटीज होंगी? क्या तुम में और मुझ में सिमिलैरिटी है? अगर मुझ में 206 हड्डी हैं तो क्या तुम में 350 हड्डियां हैं? नहीं, बराबर हैं। अगर मुझ में मसल्स हैं तो तुम्हारे अंदर भी सेम टाइप ऑफ मसल हैं, सेम नंबर ऑफ मसल्स हैं, राइट। मेरे अंदर जितने सीसी का दिमाग है तुम्हारे अंदर भी उतने सीसी का दिमाग है, मेरे हाथ पैर जिस तरीके से काम करते हैं तुम्हारे हाथ पैर भी उसी तरीके से काम करते हैं। इसीलिए तो हम लोग वेटनरी साइंसेज और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बात को समझने की कोशिश करो। अगर समझ लो एक साइंटिस्ट है, उसने मेरी बॉडी के ऊपर रिसर्च करी और एक किताब लिख दी कि भैया एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसके अंदर यहाँ पर जो है लंग्स होते हैं, यहाँ पर किडनीज होती हैं, यहाँ पर लिवर होती हैं, भाई वो सारी की सारी चीजें आप पर भी तो इंप्लीमेंट होती हैं। आप एनाटॉमी में ये थोड़ी बोलते हो, आप फिजियोलॉजी में ये थोड़ी बोलते हो कि अरे यार ये तो गोलू की बॉडी का डाइसेक्शन है, मेरी बॉडी का कैसे मान लूं मैं इसके हिसाब से? भाई जो गोलू की बॉडी है तुम्हारी बॉडी है वो सेम ही तो है, राइट। यानी स्पीसीज में तो आपको फंडामेंटल सिमिलैरिटीज तक मिलती हैं, किसी कैरेक्टर का कोई फर्क नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि एक जैसे ऑर्गेनिज्म ही है बस झुंड बना के। लेकिन किंगडम में अभी समझ लो किंगडम एनिमल है, किंगडम एनिमल में पॉरीफेरा भी है, पॉरीफेरा मतलब जो बात स्पंज जिससे रगड़ रगड़ के नहाते हो ना सुबह, वो बात स्पंज भी एनिमल है और तुम भी एनिमल हो। अब बताओ सिमिलैरिटी किस में ज्यादा है? अब मुझे बताओ मेरे भाई कि अगर तुम स्पीसीज में जा रहे हो तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे ना, स्पीसीज में तो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, तो किंगडम टू स्पीसीज जाओगे ना तो सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, क्योंकि किंगडम में भांति भांति के लोग थे और स्पीसीज में सारे एक जैसे लोग थे। अब यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेता हूं, अब मुझे सबका जवाब सही चाहिए, इसमें तुमने ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर दिया है। अगर मैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहा हूं तो सिमिलर कैरेक्टर्स का क्या हो जाएगा? तुमने मेरा जेंडर और चेंज करा दिया टेंशन में इतने बेकार जवाब देके। अब बताओ स्पीसीज टू किंगडम अगर मैं चला गया तब क्या हो जाएगा, झटपट बता दो भाई। ओके, मुबारक खान, स्पीसीज में सिमिलैरिटी इंक्रीज, एकदम सही है यार। ओके, निश्मिता, निर्भय, उपासना, स्निग्धा, पवन, हेम, सबका करेक्ट है यार, इस बार सबका करेक्ट है, दैट्स वेरी गुड, इसका मतलब यू गॉट द कॉन्सेप्ट, राइट। अब सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे,
अब सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाए। और ये बात अगर तुमने डिकोड कर ली, इसका मतलब तुमने नीट में चार नंबर प्राप्त कर लिए, काम खत्म, चार नंबर तुम्हारे डन हो चुके हैं दोस्त। क्या क्या हमने किंगडम से स्पीसीज की तरफ गए, तो स्पीसीज एक छोटी कैटेगरी है ना, उसमें एक जैसे लोग हैं, एक जैसे लोग हैं तो ज्यादा सिमिलर हैं, और किंगडम में तो दुनिया भर के लोग हैं यार, किंगडम में तो दुनिया के सारे एनिमल है। अब तुम अपने आप को एक कॉकरोच से थोड़ी कंपेयर करोगे, इतने तुच्छ प्राणी थोड़ी हो तुम, या अपने आप को चींटी से थोड़ी कंपेयर करोगे, या अपने आप को टिड्डे से थोड़ी कंपेयर करोगे, तुम्हारा अपना एक स्टैंडर्ड है यार, तुम अपने आप को मंकी से कंपेयर करोगे, गधे से करोगे। तो यहां पर क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टर्स जितने ज्यादा होते जाएंगे, तुम छोटी कैटेगरी में पहुंचते जाओगे। यानी अगर तुम बहुत ही एक्सट्रीमली सिमिलर हो, सेम ग्रुप के हो, तो तुम यहां पहुंचोगे स्पीसीज में। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए तो जीनस में खिसक जाओगे, कि आपकी स्पीसीज अलग होगी लेकिन आपका जीनस सेम होगा। फिर थोड़े बहुत और डिफरेंसेस आए तो आपका जीनस स्पीसीज सेम होगा, अलग होगा सॉरी, फैमिली सेम हो जाएगी, फिर ऑर्डर, क्लास, एंड अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो एटलीस्ट आप सेम किंगडम में तो हो गए हो गए, राइट। ये बात चले, ये दोनों बातें याद करनी है दोस्त, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये दोनों बातें एकदम अच्छे से याद करनी है। और एक ट्राइब वाली बात याद करनी है कि ये फैमिली और जीनस के बीच में पाया जाता है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनके बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो स्पीसीज क्या होती है, मैंने जैसा आपको बताया, स्पीसीज एक ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज यानी एकदम सिमिलर है ये। अगर मेरे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, लेट से टू ऑर्गेनिजम्स अगर यहां पर हैं, आप हो और मैं हूं, राइट, टू ऑर्गेनिजम्स यहां पर हैं, आप और मैं हूं, तो हमारे अंदर सेम मेटाबॉलिज्म होगा भाई। मेरे अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है, आपके अंदर भी तो वही है। अगर आप ग्लूकोज खाओगे और वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, तो मेरा ग्लूकोज भी पाइरुवेट में ही कन्वर्ट होगा, सेम मेटाबॉलिज्म होता है, सेम नंबर ऑफ बोन्स है, लेट से कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, तो क्योंकि सारी चीजें सेम है, सेम नंबर ऑफ बोन्स है, राइट, सेम ऑर्गेनाइजेशन है भैया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ पेट से निकल रहे हैं, मेरे कंधों से निकल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एकदम सेम है यार। तुम जैसे हो वैसा ही मैं हूं, बस मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं, तुम थोड़े ठीक ठाक से हो, लेकिन हैं हम लोग एक जैसे ही। तो यहां पर क्या है, सेम मेटाबॉलिज्म, सेम नंबर ऑफ बोन, सारे कैरेक्टर सेम है, इतने फंडामेंटली सिमिलर होते हो तुम लोग कि अगर तुम थोड़े से भी डिफरेंट हो गए तो तुम अलग स्पीसीज में हो जाते हो। यानी कि अगर आपको बताना है कि दो स्पीसीज सेम है या अलग है, तो आप सिर्फ उनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस देख लो तो भी आपको पता लग जाएगा वो अलग अलग है। जैसे मैं यहां पर एक बहुत अच्छा डायग्राम बना देता हूं तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, राइट। यहां पर मैं बनाता हूं एक चींटी, ठीक है, एक मैं बनाता हूं लाल वाली चींटी है, काटती बड़ी तेज है, ठीक है। यहां पर मैंने इसके छह पैर भी बना दिए, दिस इज व्हाट, दिस इज रेड एंट। अभी एंट लग नहीं रही है, कुछ बहुत खतरनाक लग रही है, बट कोई बात नहीं। नाउ दिस इज रेड एंट एंड दिस इज ब्लैक एंट, ओके। काली वाली जो चींटी रहती है या बड़ा वाला जो मकोड़ा रहता है वो आप कह सकते हो, दिस इज ब्लैक एंट। तो क्या ये दोनों सेम स्पीसीज में होंगे, डिफरेंट में, फटाफट लिख के बताओ। नेशन वॉन्ट्स टू नो, फटाफट लिख के बताओ भैया, ये सेम स्पीसीज है या डिफरेंट स्पीसीज है, बस ये बता दो, यस और नो में बता दो। सेम स्पीसीज है तो लिख दो, सेम डिफरेंट है तो लिख दो डिफरेंट, राइट, सेम स्पीसीज और डिफरेंट। ओके, भूमि सिंह नो, निष्मिता इज सेइंग डिफरेंट, स्निग्धा इज सेइंग डिफरेंट, देव इज सेइंग डिफरेंट, हंसा इज सेइंग डिफरेंट, फरहाना डिफरेंट, कोमल डिफरेंट, प्रणीता इज सेइंग नो, एब्सोल्युटली एकदम सही बात है यार, चीटियां डिफरेंट होंगी ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी। अगर आपको एक भी फंडामेंटल डिफरेंस दिख गया तो ये अलग स्पीसीज में चली जाती है। यानी यहां पर ये कैसी है, लाल आपको अलग से अलग दिखाई दे रही है ना, यहां पे कैसी है, काली अलग दिखाई दे रही है। जब आप मात्र देखने से डिफरेंस बता पाते हो तो ये डिफरेंट स्पीसीज हो गई ना। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर ये हो गया कि अगर फंडामेंटल डिफरेंसेस आपको दिख जाते हैं ना तो ये डिफरेंट स्पीसीज में चली जाती है। यही खूबसूरती है स्पीसीज की, चींटियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर, राइट, इतनी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ चींटियां यहां पर।
तो जिसको सबको देख के बोल देते हो ना चीटी है चीटी है, उसकी भी अलग अलग प्रजातियों का तुम्हें नाम लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम जस्टिफाई कर पाओगे कि वो कौन सी चीटी आखिरकार। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटली डिफरेंसेस कैरी कर रही है। इनको देखने से ही पता लग रहा है यार ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो मात्र आप दो स्पीसीज के अंदर डिफरेंस देख के ही बता दोगे, राइट? अगर समझ लो एक ह्यूमन है और दूसरा कोई साइड में घोड़ा खड़ा है, तो आप बता दोगे ना भैया डिफरेंट है। सिमिलरली अगर आप एंट में भी अलग अलग टाइप के एंट्स देखते हो, दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक डिफरेंट स्पीसीज। एंड आप देखेंगे आगे चल के कि कुछ ऐसे जीनस हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्पीसीज होती है। जैसे होमो सेपियंस की अगर आप बात करें, तो होमो जीनस जो है हमारा, इसके अंदर एक ही स्पीसीज है, दैट इज सेपियंस, राइट? होमो सेपियंस ना। तो यहां पर क्या हो गया, इसे कहते हैं मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस मतलब सिर्फ इसके अंदर एक ही स्पीसीज है। लेकिन जो पॉलीटिपिक रहता है, इसमें क्या है, इसमें आपकी मोर देन वन स्पीसीज पाई जाती है। जैसे आपका सोलेनम हो गया, सोलेनम, ये जो सोलेनम है ये आलू का जीनस है। तो अगर आप इसमें ट्यूबरोसम लगा दोगे तो ये आलू हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम इज आलू। लेकिन सोलेनम मेलोनजिना अगर लगा दोगे तो ये बैंगन हो जाएगा, राइट? तो क्या हुआ, सोलेनम इज द सिंगल जीनस, लेकिन उसके अंदर मोर देन वन स्पीसीज पाई जा सकती है। जैसे ट्यूबरोसम भी पाई जा रही है, मेलोनजिना भी पाई जा रही है, तो इसे कहा जाता है पॉलीटिपिक जीनस। तो मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक का कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज स्पीसीज, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स यहां पे होंगे। सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम, लिख लो साइड में, सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम, बस ये बात याद करनी है, ठीक है? सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम होंगे, यानी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी। थोड़े से भी अलग अगर आपको दो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो अलग अलग स्पीसीज के हैं, अगर उनमें कुछ भी फंडामेंटल डिफरेंस है तो। फिर मोनोटिपिक जीनस जो उसमें एक ही स्पीसीज होगी, जैसे होमो सेपियंस में इकलौती स्पीसीज हम बचे हुए हैं, बाकी हमारे साथ के जो रिलेटिव्स वगैरह कुछ स्पीसीज अगर पहले होंगी तो वह एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन गायब हो चुकी हैं, हम लोग अकेले सर्वाइव किए हैं। पॉलीटिपिक मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर, या फिर कह सकते हैं एक से ज्यादा आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगी। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे जीनस का, तो सोलेनम जो है, ओके, इसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, सोलेनम के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब क्या हो गया, आलू हो गया ना, तो क्या लिख दूंगा बगल में, पोटैटो लिख दूंगा, ठीक है? अब क्या हो गया, सोलेनम मेलोनजिना, सोलेनम मेलोनजिना क्या हो गया भैया, बैगन हो गया, तो क्या लिख दूंगा, ब्रिंजल लिख दूंगा, ठीक है, ब्रिंजल लिख दिया। फिर क्या हो गया, सोलेनम निग्रम हो गया, सोलेनम निग्रम हो गया, क्या लिख दूंगा बगल में, नाइट शेड मकॉय लिख दूंगा बगल में, ठीक है, मकॉय लिख दिया बगल में। तो ये तीनों स्पीसीज एक जीनस के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, सोलेनम पॉलीटिपिक जीनस हो गया ना। सिमिलरली पेंथेरा, अब पेंथेरा अगर भैया टिग्रिस है तो क्या हो जाएगा, अगर पेंथेरा के आगे टिग्रिस है तो क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा ना, पेंथेरा टिग्रिस टाइगर हो गया, राइट? पेंथेरा टिग्रिस टाइगर हो गया। पेंथेरा लियो क्या हो गया, लायन हो गया। पेंथेरा पार्डस क्या हो गया, पार्डस, पार्ड आ रहा है ना एंड में, तो लियोपार्ड हो गया। तो यहां पे ये भी क्या हुआ, पॉलीटिपिक जीनस हो गया ना, पेंथेरा इज ऑल्सो पॉलीटिपिक जीनस। इसके अंदर तीन अलग अलग स्पीसीज आ रही हैं। तो सोलेनम और पेंथेरा दोनों पॉलीटिपिक के एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं पॉलीटिपिक और इसके दो एरोस बना देते हैं, राइट? तो मोनोटिपिक में हमने एग्जाम्पल देखा होमो का, जिसके अंदर इकलौती स्पीसीज थी सेपियन, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सोलेनम और पेंथेरा पॉलीटिपिक के एग्जाम्पल हो गए। अब जीनस क्या है, यहां पर एक लाइन आती है, बहुत प्यारी लाइन आती है एनसीईआरटी में, जो खुद समझ में नहीं आएगी। जीनस कंप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी इनमें अच्छे खासे सिमिलैरिटीज हैं, तभी वो साथ साथ रखी गई हैं सेम जीनस के अंदर, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। क्या कहा गया है, अगर ये जीनस है एक, लेट्स से इसको हमने बोल दिया जीनस वन, ठीक है, इसको हमने बोल दिया जीनस वन, अगर ये जीनस वन है भैया और इसके अंदर स्पीसीज हैं स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, ठीक है,
और ये है भैया जीनस टू, ये है भैया जीनस टू, और इसके अंदर स्पीसीज हैं, बहुत गौर से सुनना, इसके अंदर स्पीसीज हैं स्पीसीज एक्स और स्पीसीज जेड। अब मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है, मेरे सवाल को बहुत गौर से सुनना। अगर मैं बोलूं कि स्पीसीज ए ज्यादा रिलेटेड किससे होगी, स्पीसीज बी से या स्पीसीज एक्स से, मुझे बस इतना बता दो, यही आपके इस ऊपर वाले लाइन का आंसर है। बहुत 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 प्यारा सा एक क्वेश्चन है और इतने आराम से तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। भैया एक जीनस है जिसमें तीन आपकी स्पीसीज हैं ए बी सी, एक जीनस है जिसमें दो आपकी स्पीसीज है एक्स और जेड। ए को अगर मैं बोलता हूं कि वो किससे ज्यादा सिमिलर है, सी से या एक्स से, तो किससे ज्यादा सिमिलर होगा? भैया बी से सिमिलर होगा ना, सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं बी से सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि वो सेम जीनस के अंदर है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है कि अगर वो सेम कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, यानी जो स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा है, स्पीसीज एक्स जो है, जो आपकी प्रेजेंट है दूसरे जीनस में, उससे कम सिमिलर होगी ना ए, ए बी और सी से ज्यादा सिमिलर होगी क्योंकि वो सेम जीनस के अंदर है। यानी इस लाइन को अगर मैं सिंपल करके लिखूं तो अपने नोट्स में ऐड कर लो, द स्पीसीज ऑफ वन जीनस वुड बी मोर सिमिलर टू ईच अदर एज कंपेयर टू द स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। कैसी रही, मजा आया, समझ में आया? थम्स अप दे दो एक बार फटाफट अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये और बिल्कुल समझ में नहीं आते, तुम खुद से पढ़ने जाओगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, या स्कूल टाइम पे हमें भी नहीं आई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, राइट? अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, वार्तालाप कैसी लगी, जस्ट लेट मी नो, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट। आ गई, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो यार एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा जुनो डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। भाई तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बहन है, तुम एकदम बिल्कुल एकदम ब्लड रिलेशन वाले लोग हो, और एक पड़ोसी है, हम क्या कहेंगे कि तुम किससे ज्यादा सिमिलर हो, अपने घर वालों से या पड़ोसियों से? अपने घर वालों से ना, क्योंकि तुम एक घर में हो, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि तुम एक जैसे हो ना, तुम एक ब्लड रिलेशन शेयर करते हो, पड़ोसी के साथ तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उससे आप कम सिमिलर होंगे। वही तो बात मैं बता रहा हूं, जो ए बी और सी हैं वो एक घर में रहते हैं, एक्स और वाई और जेड दूसरे घर में रहते हैं, तो ए किससे ज्यादा सिमिलर होगा, बी और सी से ज्यादा सिमिलर होगा ना, पड़ोसियों से क्यों मिलेगा, एक्स वाई जेड से क्यों मिलेगा, यही बात है, बस यही सार है दोस्त, ठीक है? तो ये लाइन आपको पढ़नी थी, और किसी भी चीज की डेफिनेशन लिखनी है ना, बहुत सिंपल तरीके से लिखनी है। कैसे लिखोगे? छोटी से बड़ी कैटेगरी की तरफ जाओ। जीनस क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, पिछली कैटेगरी का नाम लिख दो। फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, रिलेटेड लिखना जरूरी है क्योंकि एक जैसे होंगे तभी ये कैटेगरी बनाएंगे। ऑर्डर क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। किंगडम क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। एज सिंपल एज दैट। और दुनिया का कोई इंसान इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को गलत नहीं ठहराएगा, कभी भी गलत नहीं ठहराएगा, राइट? जीनस की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे आपने यहां पर लिखा, जीनस की डेफिनेशन देखो, स्पीसीज मतलब जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, एकदम ही जो सिमिलर है, जीनस का मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब फैमिली देखोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस लिख दोगे यहां पर, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, मैं खुद लिखूंगा यहां पर, राइट? हम खुद यहां पर लिखेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब किसी ने कोई गोली थोड़ी मार दी इस बात पे, क्योंकि ये डेफिनेशन ठीक है। अब आगे मैं जाऊंगा, ऑर्डर में क्या लिखूंगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, पिछली कैटेगरी का नाम लिख दूंगा, तो एकदम सही हो जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई वो ये है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि यहां पर फैमिलीज, जब आप प्लांट फैमिलीज की बात करते हैं तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर्स को आप लोग बराबर महत्व देते हैं। वेजिटेटिव फीचर में क्या क्या आ गया? वेजिटेटिव फीचर मतलब जो आपके नॉर्मल फीचर रहते हैं प्लांट के, कि उसकी पत्ती कैसी है, राइट? उसकी स्टेम कैसी है, उसकी रूट कैसी है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टार्टिंग से होते हैं प्लांट के अंदर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मतलब फ्लावर, क्योंकि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्लावर से होती है ना, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे, एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। इसी बेसिस पर हम प्लांट्स को अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड करते हैं।
ओके अब देखो भैया ये है फेलिडी। फेलिडी फैमिली के अंदर क्या क्या आएगा बताओ मुझे। फेलिडी फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस आएंगे? एक तो जीनस पेंथेरा था जिसके अंदर आपका लायन टाइगर लियोपर्ड सारे के सारे थे, एक तो ये पेंथेरा आएगा और नाम ही है फेलिडी, तो इसमें और क्या आएगा? फेलिस आएगा। फेलिस मतलब कैट आएगी, राइट? आपको कहा जाता है ना कि बिल्ली शेर की रिलेटिव है, बिल्ली मौसी शेर की रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है? क्योंकि दोनों सेम फैमिली में आते हैं। फैमिली फेलिडी में कौन कौन आया? फेलिस यानी कैट आई और पेंथेरा यानी आपके शेर चीता ये सब आए। और सोलेनेसी जो फैमिली है इसमें आप याद करेगा एसपीडी, एसपीडी पावर रेंजर एसपीडी सबने देखा होगा। तो सोलेनेसी में क्या आया? सोलेनम तो आया ही आया, यानी आलू बैंगन तो आया ही आया। इसके अलावा क्या है? एस के बाद पी यानी पेटूनिया भी आया एंड डी मतलब दतूरा भी आया। यानी अब जो मिलते जुलते आपके जीनस हैं उनको आप एक और बड़ी कैटेगरी में प्लेस कर दोगे, दैट इज योर फैमिली। उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो फैमिली क्या है यहां पर? फेलिडी और सोलेनेसी हो जाएगी। खासकर इनके एंड में एई नाम का एब्रीवेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी सफिक्स जो है इनके पीछे एई आता है ज्यादातर फैमिलीज के अंदर, जैसे सोलेनेसी, लिलियसी, फेबेसी, एस्केल्पीडियसी, रेनिनकुलेसी, सबके एंड में एई आता ही आता है। तो आप आराम से पीछे सफिक्स देखकर बता सकते हैं कि ये फैमिली की बात हो रही है या ऑर्डर की बात हो रही है, राइट? क्योंकि इनके पीछे एकदम कॉन्स्टेंट सफिक्स आते हैं। ओके चलो, ऑलराइट। अब देखिए ऑर्डर, ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या लिखूं? इस स्पेशल कैटेगरी का नाम क्या था? फैमिली। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई नहीं रोकेगा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। लेकिन अब आप देखो, अब हम फंडामेंटल सिमिलैरिटी से बहुत दूर आ चुके हैं दोस्त, बहुत दूर आ चुके हैं। यानी स्पीसीज एकदम फंडामेंटली सिमिलर थी, फिर हम जीनस की तरफ गए, फिर हम यू नो फैमिली की तरफ गए, अब हम थोड़ा और दूर जा चुके हैं। तो यहां पर जो है आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स देखते हो। अब आप यहां पे चुनिंदा कॉमन कैरेक्टर्स ना देखकर एग्रीगेट यानी एवरेज ऑफ कैरेक्टर्स देखते हो, कि समझ लो 100 कैरेक्टर्स हैं, उसमें से अगर 50 मिलते जुलते हैं ना दो ऑर्गेनिज्म के, तो आप बोलोगे अच्छा यार सेम ऑर्डर में प्लेस कर दो। आप एकदम एब्सोल्यूट कैरेक्टर्स नहीं देखते, राइट? आप एक एवरेज निकालते हो कि हाँ ज्यादातर कैरेक्टर्स ठीक है कॉमन है, तो आप इसे ऑर्डर या फिर इसे हायर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो। जैसे यहां पर है कन्वलवेसी, कन्वलवेसी में कौन कौन से आएंगे बताओ फटाफट। ओके यहां पर पॉलीमोनियल्स लिख देता हूं मैं। ओके यहां पर लेट मी राइट पॉलीमोनियल्स, इसको मैं बाद में थोड़ा सा ठीक कर दूंगा। ओके पीसीएस ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था कि कन्वलवेसी और आपका कौन जुड़ेगा इसके साथ, कन्वलवेसी के साथ कौन जुड़ेगा बताओ? कन्वलवेसी के साथ जुड़ेगा सोलेनेसी, जो लास्ट फैमिली थी ना सोलेनेसी, जिसमें दतूरा पेटूनिया ये सब था। सोलेनेसी और कन्वलवेसी मिलकर के क्या बना देंगे? एक नया ऑर्डर बना देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स हो जाएगा। और कार्निवोरा जो ऑर्डर है इसमें क्या क्या आ जाएगा? कार्निवोरा में भैया लास्ट ऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था यू नो क्या पढ़ा था बताओ मुझे? बिल्ली और शेर के बारे में पढ़ा था। अब इसमें फैमिली फेलिडी जो थी ना जिसमें बिल्ली और शेर थे, इसके साथ एक और फैमिली जुड़ जाएगी जिसका नाम क्या है? डॉग की फैमिली यानी कैनेडी। राइट तो यहां पे बिल्ली कुत्ता एक साथ कहां हो गए? ऑर्डर में, फैमिली में अलग अलग थे, राइट? तो एक कैट की फैमिली थी, कैट फैमिली बोलते हैं इसे, कैनेडी डॉग की फैमिली है, डॉग फैमिली बोलते हैं इसे। दोनों मिलजुल कर क्या आ गए? कार्निवोरा के अंदर आ गए। ओके तो पीसीएस से ये ट्रिक याद कर लो कि पॉलीमोनियल जो है इसके अंदर क्या है? कन्वलवेसी और सोलेनेसी, ठीक है, और कार्निवोरा के अंदर क्या है? फेलिडी और कैनेडी। तो अब बिल्ली और कुत्ता भी जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं वो भी साथ साथ आ गए सेम ऑर्डर के अंदर। अगर आप और ऊपर जाओगे, क्लास क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स लिख सकता हूं मैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर रिलेटेड ऑर्डर से क्लास बन गई। अब जैसे यहां पर क्लास है मैमिलिया, तो मैमिलिया में क्या आ गया? प्राइमेटा भी आ गया और कार्निवोरा भी, यानी कार्निवोरा जिसके अंदर डॉग और कैट थे, इसके अंदर फेलिडी और कैनेडी थी ना, तो डॉग एंड कैट थे यहां पर, इन्होंने मिलकर के एक ऑर्डर बनाया था कार्निवोरा।
और प्राइमेटा जिसके अंदर प्राइमेट से यानी हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, यानी ह्यूमंस थे, मंकी थे, गिबन थे, गोरिला थे, ये जो आ गए हम सब ने साथ मिलके क्या बना लिया, मैमल्स, क्योंकि हम सब मैमल में आते हैं। तो अब एक क्लास में हम भी आ गए, कुत्ते भी आ गए, बिल्ली भी आ गई, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेम आ गए। तो हम क्लास लेवल पे शेर जैसे हैं। अभी तक शेर हमारे जितना सिमिलर नहीं था, लेकिन क्लास में काफी अच्छे खासे डिफरेंसेस आ गए। तो यहां पर आपने एक एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स लिया, अच्छा मेन मेन कैरेक्टर्स इनके अंदर सेम है तो इनको सेम कैटेगरी में रख दो, यानी क्लास में रख दो। तो अब जो आपका कैट वाली फैमिली में शेर था ये भी आ गया हमारे क्लास के अंदर, जो डॉग था ये भी आ गया हमारी क्लास के अंदर, जो बंदर वंदर थे ये भी आ गया हमारी क्लास के अंदर। मैमेलिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आ गए, राइट। बिल्ली कुत्ता आप साथ हो गए। फाइलम अगर आप देखें या डिवीजन अगर आप देखें मेरे दोस्त, तो यहां पर आप क्या कह देंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, लास्ट कैटेगरी का नाम लिख दो। बताओ क्या लिखोगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड, बताओ फटाफट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्या लिखेंगे यहां पर। लास्ट क्या था हमारा, क्लास थी ना, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास अगर आप यहां पर लिख देंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे कॉर्डेटा है, इट्स अ फाइलम, तो कॉर्डेटा में एक वर्ड आता है दैट इज कॉर्ड, यानी यहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पहला कैरेक्टर यहां पर ये है कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप कॉर्डेटा के मेंबर हो जाते हो। सिमिलरली अगर आपके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, या पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में ना आने वाले चैप्टर में, अगर आपके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है तो आप कॉर्डेटा के मेंबर हो। या आपके पास एक पूंछ है जो कि एनस से भी पीछे तक एक्सटेंड हो रही है, इसे क्या कहा जाता है, पोस्ट एनल टेल, यानी टेल के भी एनस के भी पीछे तक आपकी एक्सटेंड हो रखी है। एंड यहां पर आप क्या बोल सकते हो, नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पोस्ट एनल टेल है, एंड यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। अगर आपके पास ये सारी की सारी चीजें हैं लाइफ की किसी भी फेज के अंदर, तो आप क्या हो जाते हो, कॉर्डेट हो जाते हो। और कॉर्डेट के अंदर ये जो पिछले सारे मैमल वगैरह थे वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो फाइलम लेवल पर आप यहां पर पहुंच जाते हो। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इन प्लांट्स डिवीजन टर्म इज यूज्ड, क्योंकि इनिशियली उसको यूज करने लग पड़े थे तो बाद में इसको चेंज नहीं किया। इन प्लांट्स डिवीजन टर्म इज यूज्ड, डिवीजन टर्म इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ फाइलम, यानी फाइलम की जगह डिवीजन टर्म इस्तेमाल करी जाती है। ओके, थोड़ी बहुत वार्तालाप करेंगे अभी जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर, तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको हम लोग एड्रेस करेंगे, राइट। लार्जेस्ट जो आपकी कैटेगरी आती है वो किंगडम, किंगडम में एक जैसे सारे के सारे ही ऑर्गेनिज्म प्लेस हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई प्लांट है तो उनमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है दैट इज किंगडम प्लांट है, और अगर कोई एनिमल है तो उनके लिए जो माई बाप है सबसे बड़ा दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। अगर एनिमल की बात हो रही है तो जितनी भी फाइलम्स हैं वो सारी किंगडम के अंदर आएंगी, या फिर अगर प्लांट की बात हो रही है तो जितनी भी सारी डिवीजन्स हैं वो यहां पर आएंगी। सो इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, यानी यहां पर क्या है, मिनिमम सिमिलैरिटीज होंगी, आपको ये बात पता लग चुकी है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे अगर आप प्लांट्स की बात करते हो तो दुनिया के सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटे में आएंगे, दुनिया के सारे एनिमल किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। आर एच विटेकर साहब ने एक स्कीम दी थी जिसके अकॉर्डिंग अभी दुनिया के अंदर 5 किंगडम एग्जिस्ट करती है उनके हिसाब से, राइट। पहली जो है वो होती है आपकी मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। दूसरी होती है प्रोटिस्टा। जस्ट कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से हम लोग इन्हीं किंगडम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, कि आपकी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है जिसमें फंगस आते हैं जो आपकी रोटी या फिर आपके ब्रेड पर लग जाता है, आपके फ्रूट्स पर लग जाता है। देन प्लांटे जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आएंगे, एंड एनिमेलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। ये 5 आपकी दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज किंगडम। अब एक टेबल आता है भैया, इस टेबल को मैंने लिखा नहीं है यहां पर, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको लिखना खुद है। यहां पर 4 चीजें बता रखी हैं टेबल 1.1 में, एनसीईआरटी का है ये टेबल 1.1। आपको बोला गया है इसको भैया पूरा करो,
तो मैन है यहां पर एंड हाउस फ्लाई है, मैंगो है एंड वीट है। तो मैन के बारे में हम ज्यादातर चीजें जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे वो चीजें हम लोग लिखेंगे, तो वी विल बी क्लियर ऑन दिस। समझ लो मैन है, इसका नाम है होमो सैपियन, तो जीनस क्या हो गया भैया हमारा, होमो हो गया। इसमें किसी को कोई डर कोई तकलीफ भाई नहीं होनी चाहिए ना, होमो सैपियन तो नाम ही है होमो सैपियन, तो होमो का मतलब जीनस, सैपियन का मतलब स्पीशीज, तो जीनस में मैंने होमो लिख दिया। फैमिली में क्या लिखूंगा, होमो को बढ़ा दो, होमो को बढ़ा दो, होमिनिडी। ओके, ए ई आर आई एंड में मैंने आपको बताया था फैमिली के एंड में आता है, तो होमिनिडी आ गया, यह आपकी फैमिली का नाम हो गया। ऑर्डर क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था अभी हम लोग प्राइमेट्स हैं, तो हमारा ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। इसको मैं कैपिटल करके लिख रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज याद करनी है, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए बट आपको फिर भी अगर याद करनी है तो एक चीज याद करनी है कि हमारा ऑर्डर प्राइमेटा है। क्लास भैया मैमल हो, तुम्हारे पास मेमरी ग्लैंड है, यू नो दैट वेरी वेल, तो क्लास हमारी होती है मैमेलिया, मैमेलिया। और फाइलम डिवीजन कौन सी हो गई तुम्हारी, फाइलम कौन सी हो गई, फाइलम कॉर्डेटा, अभी बताया था ना तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है, फाइलम कॉर्डेटा हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट, ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो हमने यहां पर मैन का लिख दिया। अब मैन के हिसाब से हम हाउसफ्लाई को लिख सकते हैं, कैसे भाई, जीनस क्या हो जाएगा, मस्का हो जाएगा, नाम ही मस्का डोमेस्टिका है तो जीनस तो एकदम मस्का मार के लिख दिया हमने, राइट, मस्का हो गया। अब होमिनिडी, होमो का हो गया होमिनिडी, तो मस्का का क्या हो जाएगा, मस्किडी हो जाएगा ना, मस्किडी, ठीक है। क्लास कौन सी है, हाउसफ्लाई क्या है, कीड़ा है ना, इंसेक्ट है, तो क्लास इंसेक्टा हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, राइट, इंसेक्टा हो गया। और इंसेक्ट किसके मेंबर है भैया, किस फाइलम के मेंबर है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हो गए, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर। जैसे हमने मैन में सिर्फ ऑर्डर याद किया प्राइमेटा, वैसे यहां पे सिर्फ ऑर्डर याद करना है जिसका नाम है डिप्टेरा, सिर्फ ऑर्डर याद करना है डिप्टेरा, सिर्फ एक चीज याद करनी है, यानी इनिशियली मैंने यहां पर सिर्फ एक चीज याद करी, राइट, ऑर्डर प्राइमेटा। सिमिलरली मैं नीचे भी सिर्फ एक ही चीज याद करूंगा, दैट इज ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है, याद कर लिया मैंने। अब मैं आ गया हूं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स में अगर मैं देखूं तो प्लांट में क्या क्या लिख सकता हूं भैया, मैं प्लांट में हम लोग बना लेंगे बहुत प्यार से इसको, प्लांट में हम लोग वीट से स्टार्ट करें या मैंगो से। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, दैट इज पैड सैमी, यानी मोहम्मद शामी नाम के क्रिकेटर हैं आप लोग जानते होंगे, तो वैसे तो बॉलर हैं लेकिन जरूरत पड़ गई भैया, ऑल आउट होने की कगार पे है टीम, तो इन्हें भी बैटिंग पैड पहन के आना पड़ा कि भैया खेलना पड़ेगा अब तुम्हें। तो यहां पर क्या है, यहां पर एंड में एम आई आ रहा है, एम आई का मतलब, एम आई का मतलब है मेंजीफेरा इंडिका, यानी मैंगो का साइंटिफिक नाम है, राइट, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नाम है, ठीक है, यानी मैंगो की बात हो रही है। अब पी का मतलब भैया ये क्या है, ये आपका प्लांट है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, राइट, भैया प्लांट हो गया। ए का मतलब क्या है, ये एंजियोस्पर्म हो गया ना, फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म हो गया। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब क्या हो गया, फटाफट बताओ, डी का मतलब क्या हो गया, अर्पित प्लीज स्टॉप स्पैमिंग यार, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू सो मच यार, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू सेड, लेकिन अभी हमें फिर कमेंट दिखाई नहीं देंगे, 5 मिनट बाद हम लोग बात करेंगे, राइट, इस टॉपिक के बाद, इस टेबल के बाद वी विल श्योरली टॉक। अच्छा मुझे ये बताओ डी का मतलब क्या हो गया यहां पर, डायकॉट, निश्मिता एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज डायकॉट। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब क्या हो गया, यहां पर आपका एस का मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, सेपिंडेल्स हो गया ना, और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एनाकार्डियसी, क्या ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल याद हो जाएंगी। अब लिख के देख लो भैया, जो आपका मैंगो है इसमें प्लांट किंगडम आ गया तो हो गया वो। अब डिवीजन के टाइम पर क्या लिख दिया आपने, यहां पर एंजियोस्पर्म लिख दिया, एंजियोस्पर्म लिख दिया, ठीक है, देन यहां पर क्या हो गया, डायकॉट लिख दो, क्लास आपका डायकॉटिलेडने, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ऑर्डर में डायकॉट के बाद क्या लिखोगे, सेपिंडेल्स लिखोगे, तो ऑर्डर में प्लांट्स के अंदर एल्स आता है एंड में, हमेशा याद रखना,
सेपिंडेल्स, पोएल्स, इस हिसाब से। देन यहाँ पर सेपिंडेल्स के बाद क्या आ गया, ए ही आएगा, फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी, तो ऐसे भूलोगे भी नहीं, ए ही आ गया एंड में, डन हो गया एनाकार्डियेसी। एंड यहां पर आप देखो भैया, जीनस तो मेंजीफेरा सामने लिखा ही हुआ है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मेंजीफेरा लिख दिया, ठीक है। ये हमने पैड सेमी नाम की ट्रिक से याद कर लिया, इसे मैं मिटा देता हूं, ओके, सिर्फ ट्रिक लिखी रहने देते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने ऑटोमेटिकली टेबल में लिख दी है, तो आई डोंट थिंक इसकी हमें बहुत खास अभी जरूरत है। तो नोट्स आपके अच्छे बन जाएंगे, साफ सुथरे, व्हाइट पे मैं इसलिए आया हूं बैकग्राउंड चेंज करके, जिससे कि आपका बढ़िया तरीके से यू नो प्रिंट भी निकल जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें प्रिंट निकालना है, ब्लैक पे मत पढ़ाओ, तो क्रोमा में तो यार ब्लैक पे पढ़ाया जाएगा, दैट्स व्हाई आई केम टू व्हाइट, ओके। अब देखो वीट से याद कर लो, तो यहां पर मैंगो में हमने याद किया पैड सेमी, वीट में हमें एक चीज याद करनी है कि वीट आप सुबह सुबह खाते हैं ना, तो पोहा याद कर लो, पोहा भी आप सुबह सुबह खाते हैं, पोहा याद कर लो बस, तो पोहा याद किया है, क्या कर दो एनाकार्डियेसी का कर दो पोएसी, ठीक है, फैमिली है तो एंड में ए ही आ गया, सेपिंडेल्स का कर दो पोएल्स, एल्स आ रहा है एंड में, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, बात खत्म। मेंजीफेरा की जगह यहां पर ट्रिटिकम करोगे, नाम सामने ही लिखा हुआ है, तो ट्रिटिकम इज द जीनस, प्लांट ये होगा ही, जाहिर सी बात है, डाइकॉट की जगह अपोजिट कर दो मोनोकॉट, और फ्लावरिंग प्लांट तो है ही, क्रॉप है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो ही जाएगा, काम खत्म। क्या सबको ये पूरा टेबल याद हो गया है भाई, पोआ से पोएसी और पोएल्स और पैड सेमी से सारा का सारा, मैंगो याद हो गया, मैन में सिर्फ आपको एक चीज याद करनी पड़ी ऑर्डर प्राइमेटा, वो भी जबरदस्ती, वो भी आपको शायद याद ही होगा, उसके कंपैरिजन में सिर्फ डिप्टेरा याद कर लो, काम खत्म। तो आपको इस पूरे टेबल को याद करने के लिए चार शब्द याद करने हैं, प्राइमेटा, डिप्टेरा, पैड सेमी एंड पोआ, दैट्स इट। अगर आपको ये चार शब्द याद है, इसका मतलब आपको पूरा टेबल याद है। थम्स अप दे दो, मजा आ गया तो थम्स अप दे दो एक बार फटाफट, सारे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सुबह, कल आपके सारे नोट्स एक वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो मैंने काली स्लाइड पे पढ़ा है वो भी मैं सफेद स्लाइड पे आपको एक बार ट्रांसलेट करके दे दूंगा, जिससे आप प्रिंट भी निकाल सकें। हालांकि मैं हाथ से लिखवा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ हाथ से ही लिखें, क्लियर, बहुत बढ़िया, ये आपका थर्ड टॉपिक डन हो चुका है। सो गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बैच एकदम मक्खन चल रहा है यार, जहां पे मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, नितेश देवनानी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये पीसीबी का बैच सिर्फ आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह और काफी सारी चीजें, काफी सारे पर्क्स इंक्लूडेड है, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट, एक्स्ट्रा एज कंटेंट, सब कुछ। तो यहाँ पर दिस बैच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, फुल्ली रिकॉर्डेड है, तो 2x पे देख सकते हो, पहले दिन से बहुत जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, चाहते हो अगर लेना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो, दिस इज डाउनलोडेबल, एक आधा फीचर इसमें बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली दिस इज हैविंग अ हायर कॉस्ट। करना क्या है दोस्त, मार्क्सअप की ऐप को इंस्टॉल करो आप, और मेरा एक छोटा सा काम कर दो, अगर आपको बैच लेना है नहीं लेना दैट्स अनदर थिंग। यहां पर मैंने क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो क्वेश्चन बैंक आपका महज 10 रुपए का है, उस 10 रुपए के क्वेश्चन बैंक को ले लो और ऐप इंस्टॉल कर लो, स्क्रॉल करते रहो उसको, राइट, दिन में अगर 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो इट विल बी वेरी गुड। सो रेदर देन स्क्रॉलिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम या फिर रील्स, जस्ट स्क्रॉल द मार्क्सअप लर्निंग ऐप, जिससे आप 10,000 क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी समअप कर पाओ। आप एक क्वेश्चन देखोगे, उसके जस्ट नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो आपके लिए बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसको फटाफट से इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर पे से, और फटाफट से मेरा क्वेश्चन बैंक, सिर्फ 10 रुपए का यार, कोई बात नहीं है, वो भी तो अगर तुम्हें फ्री में चाहिए तो ले लो, लेकिन ले लो, ये बात है, ये जनरली बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए इसका प्राइस काफी कम रखा गया है। मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम लोग यहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाए और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपकी यहीं पर आएंगी, तो प्लीज मेक श्योर टू गेट थ्रू दिस थिंग। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यार, ओके सर, यू ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट, यार मेरी पीएचडी हो गई और तुम मुझे दोबारा से नीट में फेंक रहे हो उठा के, यार अर्पित भाई ऐसा मत करो भाई, प्लीज, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है दोस्त, ओके 13 रुपए का है सर राशिद, यार अपोलॉजीज, 3 रुपए मुझसे ले लो, एक्चुअली वो हमारी कॉस्ट नहीं होती, वो जो पेमेंट गेटवे है उनकी कॉस्ट होती है, मतलब जिस पेमेंट गेटवे के थ्रू मेरे पास पैसा आता है ना, हमारे कंपनी अकाउंट में जहां से पैसा आता है, वो एडिशनल 2-2.5 रुपए चार्ज करते हैं ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, उनको भी तो बीच में पैसा निकालना होता है ना, दैट्स वाई। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक भी है, फिजिक्स का भी है, सबके 10-10 रुपए के ही है, कोई भी जाके ले लो यार, कोई भी जाके ले लो,
अमृता सर आप बहुत छोटे लग रहे हो, एक्चुअली मैंने दाढ़ी और बाल कटा लिए हैं तो मैं 17 साल का लगता हूँ आफ्टर गेटिंग शेव्ड, और ऐसे 30 साल का लगता हूँ। ओके फॉक्सटेल ऑडियो हैप्पी बर्थडे यार, एंजॉय करो। ये सीरीज कब तक चलेगी? अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ बट आने वाले टाइम में इस सीरीज के हो सकता है एक दिन में 3-4 वीडियोस भी आए। मैक्स टू मैक्स इसको घसीटेंगे फेब या मार्च तक, मैक्स टू मैक्स फेब, बल्कि कोशिशें करूंगा फरवरी में खत्म हो जाए। तो अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा राइट। एक्स्ट्रा अगर बहुत एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, दुनिया से हटके दिखना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी लेक्चर्स भी आते हैं, वो अलग ही लेवल की चीज है। और सिर्फ बायोलॉजी चाहते हो तो सिर्फ बायोलॉजी भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके फिजिक्स का भी क्वेश्चन बैच है यार सर, ड्रॉपर बैच यूट्यूब पे नहीं है क्या? दिस इज द ड्रॉपर बैच मेरे भाई। नीट का रिजल्ट कब तक आएगा? नीट का रिजल्ट आ जाएगा यार 2 दिन के अंदर आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर। अभी आज आई थिंक 18 है, हाँ आ जाएगा 2 दिन के अंदर। ओके फॉक्सटेल ऑडियो आई एम नॉट ब्रो। ओके यार अब ऑडियो के नाम पे क्या ही बोले, ऑडियो तो कुछ भी हो सकता है ना अब तुम वीडियो दिखाओगे तब पता लगेगा मुझे। ओके नेचर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे दोस्त जय सैनी, वहां पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। माइंड मैप सीरीज वी विल कंटिन्यू, डोंट वरी। ऑलराइट चलो यार चलते हैं। क्वेश्चन बैंक कितनी बार रिवाइज करना है? युधिष्ठिर यार जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए जस्ट रिवाइज इट अप एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। रिवीजन तो श्रद्धा अनुसार होता है दोस्ती, तो बताने की बात नहीं है कि आप 5 बार एनसीईआरटी पढ़िए। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, डायनामिक स्टूडेंट है, वो 15 बार भी पढ़ लेगा, वही बात है। आई एम इन क्लास 12 बोर्ड, शुड आई वॉच योर लेक्चर्स? ऑब्वियसली यार यू कैन। टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली सर्च करो मार्क्स अप लर्निंग ऐप, टेलीग्राम पे जाके सर्च आइकन पे जाके आपको मिल जाएगा। ऑलराइट चलो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, और एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा आज मैं आप लोगों के लिए शाम के टाइम में, और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, रैप अप कर देंगे राइट। और कल आपको मिल जाएंगे नोट्स। सर कितने परसेंट बायोलॉजी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे 2022 में? 90-95%, मतलब आउट ऑफ 360 मार्क्स यू कैन गेट 340-345। अच्छा मेरे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मतलब मैं कह रहा था कि हाईएस्ट मार्क्स हमारे बैच से 355 आए हैं आफ्टर गेटिंग द की, जो कुछ स्टूडेंट्स गुप्त रहते हैं एकदम बाद में उछल के आते हैं। सो आई गॉट 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। बहुत जल्दी इंटरव्यू आएगा हमारे भाई का इस चैनल के ऊपर, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट हम लोगों ने बहुत यू नो लेट चीजें स्टार्ट की थी। क्रैश कोर्स हमारा लास्ट ईयर कोई फुल लेंथ कोर्स नहीं था बट फिर भी वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल। तो आपको यू नो बताएंगे यार हम सारी की सारी चीजें, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ऑल द थिंग्स राइट। चलो चलो यार थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, विल श्योरली कैच यू अप इन टुमारो सेशन जहां पर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर एक अच्छे से चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा राइट। चलो यार बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।